एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को इन एडवांस हैप्पी जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी के लिए प्रसाद हम घर पर कैसे बनाएं? भोग हम बनाएंगे पंजीरी, पंचामृत और लड्डू। और अठवाई तो आप बना ही सकते हैं, सिंपल आटे को गूंथ कर आपको सिंपल घी में इसको फ्राई करना होता है। इसे पूड़ियाँ बनाते हैं छोटी छोटी सी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पंजीरी बनाकर रेडी करूँगी। तो पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, घी, मेवे और शुगर, शक्कर। आप यहाँ पर जो शक्कर है, चीनी है, उसको पीस कर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पंचमेवा बना रही हूँ। पंचमेवे के पंजीरी बहुत अच्छी होती है और प्रसाद उसी का लगता है। अगर आपके पास पांच तरीके के मेवे हैं तो उन्हीं को फाइन चॉप्ड कर लें और उससे हम यहाँ पर पंजीरी बनाकर रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ एक कप ले लिया है गेहूँ का आटा, सिंपल जिस गेहूँ के आटे से हम बनाते हैं हमारी रोटियाँ, बस वही गेहूं का आटा है ये। तो हमारी जो पंजीरी है उसको बनाने के लिए बस सिंपल आपको यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पर आटे को पहले यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट करना है एक मिनट तक। और एक मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी। तो देसी घी का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी हम भोग प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए वो हमेशा शुद्ध देसी घी में ही बनाना चाहिए। उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। फिर तो मैंने यहाँ डाल दिया है 1 स्पून घी और इसको हम फिर से लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि जो हमारा आटा है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पंजीरी जो बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और अगर जब पंजीरी आपकी जब ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है और वो रखी रहती है, आप कोई नहीं खाए उसको, तो आप सिंपल में थोड़ा सा दूध मिलाकर आप यहाँ पर हलवा बनाकर भी रेडी कर सकते हैं उसका। वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको गर्म दूध मिलाना होता है और आपका हलवा बनकर रेडी हो जाता है। तो उसको ज़रूर आप एक बार बनाए अगर कभी भी आपकी जो पंजीरी एक्स्ट्रा बच जाए तब। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी जो प्रिय भगवान का जो भोग होता है वो पंजीरी, पंचामृत, लड्डू और अठवाई का होता है। और वैसे तो पूरी थाली का प्रसाद लगता है कि आप घर पर जो भी शाम के टाइम भोग बनाते हैं वो बिना प्याज लहसुन का बनाएं, खीर, सब्जी, पूड़ी, तो सभी का प्रसाद लगाएं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल। और अब हम डाल देंगे इलायची का पाउडर एक चुटकी और इसको अच्छी तरीके से हम रोस्ट करते रहेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज और ना हो जाए। आप देख सकते हैं अभी भी कलर्स का काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब इसको हम साइड में रख कर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई कर लेंगे थोड़े से घी में। अगर आपके पास पहले से ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे हुए रखे हैं तो ये प्रोसेस को आप स्किप कर दें। तो अलग से हमने एक छोटा सा एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें डाल देंगे 1 स्पून देसी घी। और जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा गर्म होगा इसमें हम अपने चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, मेवे। यहाँ मैंने 5 तरीके के मेवे लिए हैं। अगर आपके पास जो भी हो, आप सिंपल काजू और बादाम भी डाल सकते हैं और जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। पर अगर 5 तरीके के मेवे हों तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता और यहाँ पर छोटी वाली जो इलायची होती है वो, और ये हमने लिए है किशमिश और यहाँ पर लिया है छुहारा। तो ये 5 तरीके के हमारे मेवे हो गए हैं इसमें। तो इसको अब थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। ये काली वाली किशमिश अगर आप ना चाहें तो ना डालें, पर ये भी भोग में प्रसाद में हम लगा सकते हैं। और अब इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और हमारी जो पंजीरी है उसको हम गैस ऑफ कर उसमें मिक्स करेंगे। और जो शुगर है, चीनी है, वो सबसे आखिरी में मिलाएंगे। आप चाहें तो शुगर का जो पाउडर होता है वो मिला सकते हैं। बस ध्यान रहे आपको गैस ऑफ करने के बाद आपको पंजीरी में मिलाना है हमारे आटे में, क्योंकि अगर आप गैस चलते में शुगर मिला देंगे तो वो पिघल जाएगी और हमारी जो पंजीरी है वो लिक्विड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप गैस ऑफ कर दें, जब आप लास्ट में मेवे और चीनी मिलाएं, तो हमारी जो पंजीरी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं, पर इसमें आ नहीं रहा है इतना कैमरे में, पर ये मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी थी। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में हम चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ 1/4 कप चीनी का यूज़ किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें, और अच्छी तरीके से अब मिक्स कर देंगे, क्योंकि आटा पहले से गर्म है थोड़ा सा, तो ये चीनी
थोड़ी थोड़ी सी पिघल जाएगी। और वैसे भी पंजीरी में चीनी थोड़ी थोड़ी मुंह में आती है तो बड़ी अच्छी लगती है, और आप चाहें तो पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, चीनी के पाउडर का। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और फिर हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट से। ये देखिए मैं इसको निकाल लिया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा उसका कलर काफ़ी चेंज हो गया था। तो अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे थोड़े से और ड्राई फ्रूट से। और सबसे प्रिय चीज़ भगवान की जो होती है वो है तुलसी। तुलसी का प्रसाद के बिना तो ये अधूरा होता है, तो सबसे आखिरी में आप इसमें तुलसी ज़रूर रखें तो हमारा जो प्रसाद है वो पूरा माना जाता है। तो ये देखिए हमारी पंजीरी बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी भगवान की भोग के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखें। तो अब इसको हम कंप्लीट करते हैं हमारे तुलसी पत्र से। तो मैंने अपने गार्डन की तुलसी निकाली और यहाँ पर सजा दिया है हमारे प्रसाद को। तो हमारी एक चीज़ अब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं पंचामृत, हमारी सेकंड चीज़। तो सेकंड प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही, दूध, गंगा जल, शहद, ड्राई फ्रूट्स और घी। ये पांच चीज़ें जरूर होना चाहिए पंचामृत में, क्योंकि ये पांच चीज़ों के बिना अधूरा है पंचामृत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घर का ही जमा हुआ ताज़ा दही ले रहे हैं, और दही को थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए मिलाएंगे इसमें दूध, रूम टेम्परेचर का दूध है ये, सिंपल मिल्क। और इसमें डालेंगे हम हमारा गंगा जल और चीनी। तो अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है अपने हिसाब से, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें देसी घी डाल रहे हैं, देसी घी मेरा ये जमा हुआ है, अगर आप पिघला हुआ डालेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि देसी घी नहीं तो ऊपर ऊपर दिखता है फिर, और मेरा जो कि दिख रहा था तो बस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे अब हम डाल देंगे हमारे शहद, और इसमें डालेंगे हम गंगा जल, और सबसे आखिर में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ये हमारे गोपाल जी का क्षीर सागर बन जाता है, क्योंकि हम अपने गोपाल जी को इसमें स्नान कराते हैं, डुबकी लगवाते हैं, इससे हम उनका अभिषेक करते हैं, और ये हमारा प्रसाद बिल्कुल बनकर रेडी हो जाता है पंचामृत का। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे, और लास्ट में इसमें भी आप तुलसी पत्र ज़रूर डालें। तो आपका जो पंचामृत है वो बिल्कुल अब बनकर रेडी हो गया है। अब सबसे आखिरी में इसमें हम थोड़ा सा गार्निश करते हैं इसको, और हमारा जो बहुत ही टेस्टी यमी सा और बहुत ही स्वादिष्ट सा पंचामृत यहाँ बनकर रेडी होता है। पंचामृत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखें कि ये पांच चीज़ें आपको ज़रूर डालना है, और जो दही है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही लें घर का बना हुआ हो तो और अच्छा है। तो अब इसको हम थोड़ा सा तुलसी पत्र से गार्निश करते हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इसको सजाने के लिए, और हमारा यहाँ पर सेकेंड प्रसाद पंचामृत बनकर रेडी हो गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसके लड्डू बनाकर रेडी करेंगे, तो लड्डू बनाने की बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, जो अभी हमने पंजीरी बनाई थी उसी में मैंने थोड़ा सा गर्म दूध और 1 स्पून मिल्क पाउडर डालकर इसको बांध दिया है, और हमारे टेस्टी यमी लड्डू घर पर ही बनकर रेडी हो गए हैं उसी पंजीरी से। तो पंजीरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाइए, तो बस आपकी पंजीरी उसी में लड्डू आपका बनकर रेडी हो जाएगा, लास्ट में तुलसी पत्र लगा दीजिए। तो हमारा यहाँ तीनों भोग बनकर रेडी हो गए हैं, तो एक बार जरूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।